अपने साथ आए हैं जुबे 99, कार्तिक, मानव और पॉकी वेनेगर। एक मिनट, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना, या मेरे कान बच रहे थे? पॉकी वेनेगर भाई, वो पॉकी वेंजर है। चलो कोई बात नहीं, उज्जवल भाई को आज अपने गेम प्ले से इम्प्रेस किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम सब में से सबसे अच्छा कौन खेलता है। ऑफ कोर्स उज्जवल भाई, मैं खेलने वाला हूँ और इस मैच को डेफिनेटली जीतने वाले हैं। बाय द वे, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज गाइस कुछ स्पेशल है पोकेमोन यूनाइट में, क्योंकि आज हम खेलने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े गेमर उज्जवल के साथ में, मतलब टेक्नो गेमर्स के साथ में। तो आज पोकेमोन यूनाइट को ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि उज्जवल भाई खेल रहे हैं आज हमारे साथ में। बाय द वे, ये हमारी टीम में है और सामने वाली टीम को हमें हराना है। और यार काफी देर से मैं देख रहा था उज्जवल भाई के मैचेस कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें एक मैच जितवा ही दिया जाए। और काफी ज्यादा मजा आएगा इस वाले मैच में भी, क्योंकि यार हमें उनके साथ में खेलने का मौका मिला है, तो क्यों ना खेला जाए और अपना बेस्ट दिया जाए। बाय द वे गाइस, उज्जवल इस गेम में अभी न्यू है तो उसे ज्यादा खेलना आता नहीं है, और ये मेरी सेकंड आईडी है पोकी वेंजर की, तो इसमें मैं एप्सोल से खेल रहा हूँ। वैसे मेरी दूसरी वाली आईडी में मास्टर में हूँ, जिसमें मैं सिंट्रेस के साथ में खेलता हूँ, लेकिन एक्चुअली में हम इस वाली आईडी में एप्सोल के साथ में खेलने वाले हैं, क्योंकि एप्सोल से ना मैं कुछ ज्यादा ही किल कर लेता हूँ। तो यार मैं श्योर हूँ ना कि मैं इस मैच को आराम से निकलवा दूंगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा मैच बस स्टार्ट होने ही वाला है, और इसी के साथ में गाइस यहाँ पर हमारा मैच शुरू हुआ। एक्चुअली मैं ना यहाँ पर मैं देखना चाहता था कि सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आराम से निकला। और यहाँ पर मैंने देखा कि उज्जवल भाई नीचे जा रहे हैं, और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर सबसे पहले फार्मिंग शुरू कर दी, क्योंकि मैं हमेशा फार्मिंग करता हूँ सेंटर की। और जब तक यार टेक्नो गेमर भाई लोग नीचे की तरफ चले गए थे, यहाँ पर मैं फार्मिंग में लग गया था और दो ऊपर दो नीचे चले गए थे। एक्चुअली मैं तीन नीचे चले गए हैं, एक ऊपर गया है। तो यहाँ पर उज्जवल भाई हैं, देख ही सकते हो वो माचेम्पो लेकर सूट रहे हैं सामने वालों को। अभी तो कुछ नहीं करा, मतलब चार्ज ही हो रहे हैं, यहाँ पर दौड़ रहे हैं। ओ भाई गोल करने घुस गए इतनी जल्दी, अरे यार उज्जवल भाई इतनी जल्दी मत जा, उसको मारने चला गया भाई, देख रहे हो तगड़ा। अरे 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 माचेम्पो लेकर भाई, ये देखो गोल करने भाई, ये होती है स्प्रिट। वाह भाई गोल करना है, लेकिन यार पिट जाएगा मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं यार, यहाँ पर पिकाचू ने इलेक्ट्रोवेब से फंसा दिया। ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर की साइड में, नीचे काफी ज्यादा लोग थे तो मुझे लगा ना नीचे जाने की जरूरत नहीं है, और ऊपर जेरोरा और यहाँ पर चार्मेंडर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें यार लपेटे में लिया जाए। यहाँ ऊपर सिर्फ एक ही पोकेमोन था, तो मैं क्रसल की हेल्प करने आ गया था, क्योंकि नीचे ऑलरेडी तीन तीन पोकेमोन है। और उज्जवल भाई का लेवल यार अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब वो ज्यादा फार्मिंग नहीं करता है, वो घूमता मत रहता है, पर कोई बात नहीं, मतलब यार उसे गोल करना बड़ा पसंद है, मारना और गोल करना। तो बाय द वे यार यहाँ पर मैंने फार्मिंग कर ली पूरी 20 की, क्योंकि यहाँ पर 20 लेने कोई आए नहीं वैक्स क्वीन तो, और यहाँ पर गोल अच्छा खासा मिल रहा था, तो मैंने बोला 30 का गोल कर ही लेते हैं, उसके बाद में इस जेरोरा को भी मार देंगे। पर मैं यहाँ से निकल गया नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे लगा यार अब ना पोकी बॉल नहीं है तो टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्कोर के लिए बॉल्स इकट्ठी करी जाए और अपने एप्सोल को पावरफुल बना लिया जाए। तो यहाँ पर उज्जवल यार ऊपर के साइड में है, देख सकते हो वो जा रहा है, और मैं बीच में सेंटर में मतलब अपनी फार्मिंग वगैरह कर रहा था, और मैंने सोचा क्यों ना उसकी हेल्प करी जाए, क्योंकि वहां पर जरूरत थी और उसका लेवल भी काफी ज्यादा कम था। यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर इनकी बैटल हो रही है, अरे 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 ये जैरो से भिड़ गए। और एक्चुअली मैं गाइस यहाँ पर मैं अपनी फार्मिंग पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था ना अगर मुझे इस गेम को निकलवाना है तो मुझे फार्मिंग करनी होगी, और हमारा सेंट्रेस तो नूप था, और यहाँ पर ये लोग हमारी फार्मिंग ले रहे थे, देख सकते हो आप लोग पिकाचू और चार्मेंटर की इतनी हिम्मत हमारी फार्मिंग लेने की, और मैंने इन्हें आसानी से मार दिया। बच्चे हैं यार ये, बाय द वे पता नहीं कौन थे, नूबड़े थे बच्चे थे जो भी थे। और यहाँ पर उज्जवल भाई मेरे साथ में है अब, यहाँ पर देख सकते हो मैंने सोचा क्यों ना इसे बचाया जाए, बेचारा 5 लेवल का था भाई और उसकी हेल्थ भी कम थी, कोई मार सकता था, तो मैंने बोला साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में 36 बॉल्स थी, तो मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले गोल करके जाया जाए। अब मैंने यहाँ पर जो गोल कर दिया है, तो अब जाते हैं टेक्नो गेमर्स भाई को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर साइड में ये देखो भाई फाइट ली नहीं है भाई, मार रहे हैं। कोई ना भाई, सामने वाले का लेवल भी ज्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन बढ़िया यार यूनिटी में चल रहे हैं सब एक साथ में। मैंने सोचा क्यों ना अब यहाँ से निकला जाए, और यार उज्जवल भाई का लेवल इतना ज्यादा कम है तो उसे थोड़ा लेवल दिलवा दिया जाए, क्योंकि मैं तो यार फार्मिंग कर रहा था लेकिन ये लोग नहीं कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर ड्रैगनो लेने का सोचा। सबसे पहले क्या है, हम लोग डोमिनेट वैसे ही कर रहे थे, तो मैंने बोला ड्रैगनो से
सबसे पहले भाई लोगों को लेवल मिल जाएगा मेरी पूरी टीम को, तो मैंने पूरी टीम के लिए ड्रैगनो यहाँ पर दिलवा दिया सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर मेरा एम है ऊपर की तरफ जाना और ऊपर हेल्प करना, क्योंकि मैंने देखा यार ऊपर ना हमारे प्लेयर्स की हालत खराब हो रखी है, मतलब तुम लोग देख ही रहे हो ऊपर कोई भी नहीं है, और उज्ज्वल भी अभी आउट हो गया था, बट कोई बात नहीं, लेकिन मैं हूं ना भाई ऊपर जा ही रहा हूं, बस थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और ये यहाँ पे काचू क्यों रे, कहाँ जा रहा भाई, यहाँ तू लपेटे में लेता हूँ। और यहाँ पर भाई पूरी भसड़ मची थी, तो मैंने बोला क्यों ना यार काफी ज्यादा किल्स कर लिए जाए, और इसी के साथ में गाइस हमने यहाँ पर भसड़ मचा दी। देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर मेरे पास में यूनाइट मूव था जिससे मैंने ऑलमोस्ट सभी को खत्म कर दिया, मतलब किल स्ट्रीक 3 हो गई, वाओ, क्रेनिंजा वगैरह सबको यहाँ पर लपेटे में ले लिया। अब यहाँ पर मैंने सोचा चलो यार इनके साथ ही में चलते हैं और गोल करके आते हैं, इनकी थोड़ी हेल्प वगैरह कर देंगे, क्योंकि इनके पास में अच्छे खासे गोल्स। और यहाँ पर गाइस मैं यार वैक्सी को लेने लग गया था, मैं देखता हूँ इसे, उनके बेस में रहकर हम लोग उनसे मर जाएंगे, वैसे मेरे को हाइड हो जाना चाहिए अभी, तो कोई फायदा नहीं है वहां लड़ने का। तो यहाँ पर उज्ज्वल थोड़ा सा पीछे हो गया क्योंकि उसे लगा यार सेफ रहना ठीक है, लेकिन यार हम है तो डरने की क्या बात है। तो यहाँ पर गाइस मैं बीच में कूद गया सबके, और देख सकते हो उसके बाद में एक्चुअली में हुआ क्या, हमने यहाँ पर भसड़ मचा डाली, ओ भाई साहब, और उसके साथ में गोल भी कर दिया। और ये देख सकते हो हम लोग तीनों आ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने चार्मेंटर की भी वाट लगा दी, ये देखो टेक्नो गेमर्स के रिएक्शन। ओ नाइस, तेरी भाई पटकी से खत्म, ओपी भाई ओपी, अभी हम चारों मिलकर बहुत तगड़ा खेल रहे हैं पता नहीं कैसे। तो यहाँ पर गाइस आप लोग ने देखा हम लोगों ने क्या किया, अब यहाँ पर हम लोग बैटल करने वाले हैं, और यहाँ पर फिर से काफी सारे पोकेमोन्स आ गए हैं, देख सकते हम लोग काफी ज्यादा लड़े, 3-3 पोकेमोन थे, लेकिन यार यहाँ पर मैं मर गया क्योंकि काफी सारे पोकेमोन थे। बाय द वे यहाँ पर मैं फिर से आया क्योंकि यहाँ पर ज़ेरोरा गोल वगैरह कर रहा था, वो भी हमारे साइड में इतनी हिम्मत। तो यहाँ पर क्रिसल ने मेरे साथ में बहुत अच्छा काम किया, ये फुल टाइम ऊपर था मेरे साथ में, और यहाँ पर मैंने फिर से वैक्सीक्वींस वगैरह पूरी की पूरी ले ली, क्रिसल भी था मेरे साथ में, और यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना रोटम ले लिया जाए और गोल हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये आया मुझे रोकने, लेकिन ये लोग रोक कहाँ पाएंगे भाई, गेंगार भागने की कहाँ कोशिश कर रहा है, यहाँ पर गेंगार भी खत्म। और यार देख सकते हो यहाँ पर हमने एक साथ में मिलकर उज्ज्वल और मैंने और साथ ही में क्रिसल ने भी यहाँ पर खत्म कर दिया सभी लोगों को और रोटम ले लिया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मेरे पास में 38 पोकेबॉल्स है और गोल करना चाहिए। ओ भाई ग्रेनिंजा, अरे इतनी हिम्मत ग्रेनिंजा, अरे अरे थोड़ा सा दूर हो जाओ भाई। तो यहाँ पर मैं नीचे साइड में आ गया क्योंकि ऊपर यार ऑलमोस्ट हमने डोमिनेट कर लिया है, तो जाने का कोई फायदा नहीं था, और यहाँ नीचे गेंगार 50 का गोल लेके जा रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि यार मेरा बेस टूटे, इसलिए मैंने सेफ्टी रखी। और एक बार फिर से हम बेस की तरफ चले गए क्योंकि हेल्थ फुल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी गोल वोल करने से पहले मैंने सोचा यार गोल करने चलते हैं, लेकिन उससे पहले हेल्थ वगैरह भर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर गोल करने जा रहे हैं, लेकिन यार ऊपर साइड में गोल हो रहा है चार्जार्ड का, तो मैंने बोला देखो अब जाने से कोई मतलब तो है नहीं, अपनी टाइम और पोकेबॉल दोनों वेस्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा उज्ज्वल भाई का थोड़ा सा साथ दे दिया जाए, बॉल है इस पे 50, गोल कर दे बस ये, चल यूनाइट मैं देख लूंगा इनको, तो 50 बॉल लेके घूम रहा है अगला बंदा, डाल बॉल। अरे उज्ज्वल भाई टेंशन की कोई भी बात नहीं है, इसीलिए मैंने गोल गटर अपने साथ में रखा था जिससे मैं ढेर सारे गोल कर पाऊं। और यहाँ पर ये लोग यार भसड़ मचाने लगे, हमारे पांचों पोकेमोन ऑलमोस्ट यहीं पर हैं, देख ही सकते हो आप लोग डोमिनेट कर रहे हैं हम लोगों ने उनके 3 गोल्स उड़ा दिए हैं, इन्हें कोई मारी ना इसलिए मैं इनके साथ में था। लेकिन अब मुझे लगा मुझे सेंटर की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उनके प्लेयर्स भी गोल वगैरह कर रहे हैं, और अगर किसी ने सेंटर ले लिया, और ये रहा गेंगार, मतलब यार गेंगार ना पूरे गेम में सोच रहा था भाई ये डोमिनेट करेगा, और इसका हैक्स अगर मुझे लग जाता तो मुझे दिक्कत होती, इसलिए सबसे पहले मैंने इसे खत्म कर दिया। और अब ना सेंटर मैंने देखा कि कोई लेना, और या तो ले भी तो हम ही लोग लें जिससे हम इस गेम को हारे ना, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था टेक्नो गेमर्स भाई हार जाए और मेरी मेहनत बेकार जाए, इतनी देर से मैंने इस गेम को संभाला है और टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है वैसे तो। और इसी के साथ ही क्रिसल ने काफ़ी अच्छा खेला और ले लिया है सेंटर, और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं फाइनली गोल करने के लिए। और इसी के साथ ही गाइस यहाँ पर तो मतलब गेम हम लोग जीत ही गए थे, देख ही सकते हो मज़ा आ गया। यहाँ पर देखो 36 का और डाल दिए तो मतलब 72 पॉइंट्स हो गए थे, देख ही सकते हो गेंगार भी है और उज्ज्वल भाई जा रहे हैं 27 पोकेबॉल्स लेके। चलो इन्हें गोल पहले करवा देते हैं, पता नहीं जा पाता है कि नहीं भाई। अरे भाई पहले गोल डाल दो उज्ज्वल भाई, क्या कर रहे हो। चलो कोई नहीं, मारने में ज्यादा बिलीव करते हैं उज्ज्वल भाई, लेकिन वो यार पहुंच गए बेस की तरफ, कोई बात नहीं उनके बदले के गोल्स हम डाल देते हैं।
चलो यार यहाँ पर अब थोड़ा पीछे की तरफ जा लिया जाए। लेकिन गाइस हम लोग यहाँ पर बेस में आ चुके हैं और देख सकते हो टाइम खत्म हुआ और इसी के साथ ही हम लोग जीत चुके हैं काफी ज्यादा गोल से। और गाइस जैसा कि मैंने बोला था सबसे ज्यादा बेस्ट कौन खेलेगा और आप लोग देख सकते हो 14 किल्स 11 का सपोर्ट और 263 गोल्स के साथ में हमने इस गेम को डोमिनेट कर दिया है। और अब आप लोग देखोगे टेक्नो गेमर्स के रिएक्शन हमारे गेम प्ले के ऊपर। ओ भाई अच्छा खेले सामने वाले भी, पर अपने पॉइंट 800 चले गए। भाई कौन खेला इतना तगड़ा 800 पहुंचा दिया। वैसे मेरे भाई मैंने 9 ही बॉल डाली, मैं कह रहा हूँ ना मैं बॉल नहीं डाल पाया इस मैच में, पर ठीक भाई अपनी टीम में ये बहुत तगड़ा था। पोके वेनेगर शायद इसने नहीं हाँ ये अच्छा ही था। और ज़ारा ओरा भी बहुत नहीं ज़ारा ओरा भी अच्छा है, पर सबसे तगड़ा खेला भाई पोके वेनेगर, मज़ा आया। अरे भाई वेनेगर नहीं वेंचर, ठीक से स्पेलिंग पढ़ो टेक्नो भाई। बाय द वे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वेंचर है वो वेनेगर नहीं। और गाइस अगर आप लोग को ये गेम प्ले पसंद आया तो इस वाली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।